सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि एवं महात्मा गांधी की अहिंसा की प्रयोग भूमि बारडोली अपनी ऐतिहासिक विरासत से गौरवान्वित है। आजादी की लड़ाई के दौरान हुआ बारडोली सत्याग्रह राष्ट्रीय इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित है। यहीं से बारडोलाइज्ड इंडिया का नारा समग्र देश में गूंजा और उसका जयघोष ब्रिटिश पार्लियामेंट तक सुनाई दिया। सत्याग्रह की इस तीर्थ भूमि बारडोली ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर नवाजा। राज आश्रम अपने गर्भ में दैदीप्यमान इतिहास समाकर आज भी बारडोली के मध्य में खड़ा है। यह परिसर में प्रवेश करते ही पंछियों के कलरव के बीच वैदिक प्रार्थना करती हुई छात्राओं की गूंज सुनाई देती है। प्रार्थना को सुनते ही हमारा अस्तित्व अपने आप मधुर स्वरों की दिशा में खींचा चला जाता है। यहाँ आते ही वृक्ष एवं पुष्प लता से आच्छादित परिसर दृश्यमान होता है। यह परिसर यानी सरदार कन्या विद्यालय और सरदार कन्या छात्रालय बारडोली। सरदार कन्या विद्यालय गांधी जी की नई तालीम आधारित उत्तर बुनियादी विद्यालय है। विद्यालय की संस्थापक है निरंजना कलार्थी। ठीक 50 वर्ष पूर्व निरंजना कलार्थी और बाल साहित्यकार मुकुल कलार्थी के मन में विचार प्रकट हुआ कि वनवासी कन्याओं के लिए माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए, क्योंकि बेटियां ही तो समाज की वो ज्योति है जो अपने पिता और पति दोनों के घरों को प्रकाशित करती है। बेटियां समाज के निर्माण में प्रमुख स्थान रखती है। बेटियों का संवर्धन यानी समाज का संवर्धन। बापू हर साल 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक बारडोली स्वराज आश्रम में आते थे, तो सरदार वल्लभ भाई यहाँ के यजमान थे और महात्मा गांधी यहाँ के मेहमान थे। पर पहले जो सत्याग्रह हुआ था 1928 का, तब स्त्रियों को जागरूक करने के लिए स्त्री सशक्तिकरण का सबसे पहला काम सरदार वल्लभ भाई ने 1928 में यहाँ किया था। तो हमने सोचा बहनों का कन्या विद्यालय शुरू करें, क्योंकि भारत में शिक्षा, कन्या शिक्षा बहुत कम थी और गांवों में तो और भी कम थी। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ कन्या विद्यालय शुरू किया जाए। इस दंपति का यह विचार समाज सुधारक संत पूज्य श्री मोटा के आशीर्वाद से साकार हुआ। 15 जून 1966 स्वराज आश्रम बारडोली के तत्कालीन प्रमुख श्री मुरारजी भाई देसाई की अगुवाई में और काका साहब कालेलकर के वरद हस्तों से सरदार कन्या विद्यालय का प्रारंभ हुआ। फिर तो सरदार के निकटवर्ती स्वातंत्र्य सेनानी उत्तम चंद शाह का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और उनकी सेवानिष्ठ बेटी निरंजना कलार्थी की तपस्या रंग लाई। 50 वर्ष की इस दीर्घ यात्रा में करीब 4000 वनवासी कन्याओं के जीवन की बुनियाद यहां रखी गई है। प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे
हनुमान चालीसा से दिन का प्रारंभ होता है। फिर विभिन्न टुकड़ियों में विभाजित होकर सफाई, बागबानी, किचन गार्डनिंग, रसोई आदि प्रवृत्तियों में सब छात्राएं जुट जाती हैं। ये सारी प्रवृत्तियां आगे चल के इन छात्राओं के जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। शिक्षा, संस्कार, समूह जीवन, स्वयं शिस्त, स्वनिर्भरता और चारित्र्य निर्माण का सिंचन करना ही इस विद्यालय का मूल उद्देश्य है। परिसर में कहीं भी कोई भी सूचन लिखित रूप में नहीं है, बावजूद इसके शिस्त और समय का पालन स्वयं ही होता रहता है। समूह जीवन और प्रवृत्तियों के कारण पारिवारिक भावना एवं आत्मीयता का यहां निर्माण होता है। नो एक उदाहरण आपो, बद्दा साथे कही सकते? हाँ तो बोलो कयो। कामिनी कोकिला केरी पूजन करे। वाह, बहुत सरस। अबे आ तो आपने एक आमा शिक्षा व्याकरण में અલંકાર, પણ પરીક્ષાની પૂર્ણ તૈયારી કરી દેવાની અને બરાબર એના ઉત્તરો આપવાના। યહ વિદ્યાલય શિક્ષા વિભાગ દ્વારા સંપૂર્ણ ગ્રાન્ટેડ હૈ ઓર છાત્રાલય સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા સંચાલિત હૈ। નવમી ઓર દસમી કક્ષા કી 120 છાત્રાએ યહાં જીવન શિક્ષા પા રહી હૈ। સરકાર દ્વારા નિયુક્ત શિક્ષકો કે ઉપરાંત शिक्षा में कमजोर छात्राओं के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने हेतु अन्य निपुण शिक्षक भी यहां सेवा दे रहे हैं। यहां की शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है कि एसएससी बोर्ड की परीक्षा में आज तक करीब 100% सफलता सहज रूप से प्राप्त हुई है। वर्ग शिक्षा के पश्चात एक घंटा समूह कताई और एक घंटा उद्योग चलता है। गृह विज्ञान यहाँ का प्रमुख उद्योग है, जिसमें बुनाई, रसोई, कंप्यूटर, बागबानी की जाती है। छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और व्यायाम होता है। कबड्डी, खो खो, दौड़, बैडमिंटन आदि कई खेलों में यहाँ की छात्राएं निपुण हैं। विद्यालय का परिसर विश्व प्रसिद्ध महानुभावों के आगमन से हमेशा ऊर्जाशील रहा है।
इन महानुभावों के आगमन से यहाँ की छात्राओं का मनोविकास निश्चित रूप से बेहतर हुआ है। विदेशी मेहमानों और संस्थाओं से भी वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। फ्रांस की सरकार ने तो इस विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में सम्मानित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने निरंजना कलार्थी को आदर्श आचार्य के सम्मान से अभिवादित किया है। ऋषि माता के समान यहाँ की सभी बेटियों की माँ है। अभ्यास पूर्ण करके जब छात्रा यहाँ से विदा होती है तो ये माँ उनको कहती है, जगत के सभी द्वार तुम्हारे लिए शायद बंद हो जाएं, पर यह द्वार सदा सर्वदा खुला रहेगा। जीवन की राह पर जहां भी जाओ, यहां मिली जीवन शिक्षा कभी मत भूलना। इन 5 दशकों में 4000 छात्राएं जीवन शिक्षा प्राप्त करके समाज में अपना स्थान बना चुकी है। बुनियादी तालीम की प्रणाली पर चलते हुए सरदार कन्या विद्यालय बारडोली ने अपनी वनवासी बेटियों के जीवन की वो मजबूत बुनियाद रखी है कि ये बेटियां देश विदेश में स्वाभिमान से जी रही हैं। बुनियाद नए सपनों की।